एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। अगर आप दिल्ली नेशनल हाईवे 24 या फिर दिल्ली मेरठ हाईवे से होकर नोएडा या गाजियाबाद आना चाहते हैं तो आपको दूसरे रास्ते का इस्तेमाल करना होगा। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से किसानों की संख्या बढ़ रही है उसे देखते हुए पुलिस की मुस्तैदी और पहरा भी बढ़ा दिया गया है। वहीं इंटरनेट सेवा को भी यहां पर बीच बीच में रोका जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इस तरह की किलेबंदी को नाजायज बता रहा है। उसका आरोप है कि सरकार कई राज्यों में चल रहे किसानों के प्रदर्शन की वजह से डरी हुई है, जिस वजह से एक कदम उठा रही है। वहीं अगर आप देखें तो इसके पीछे दिल्ली पुलिस की मजबूरी भी है, क्योंकि जिस तरह ट्रैक्टर मार्च को इजाजत देने के बाद 26 जनवरी को पूरी दिल्ली में ही हिंसक प्रदर्शन हुए, उसके बाद दिल्ली पुलिस के लिए एहतियात बरतना जरूरी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस पर ही सुरक्षा को बरकरार रखने का दारोमदार रखा था, जिसके बाद पुलिस भी अपने हिसाब से सुरक्षा को चाक चौबंद रखने के लिए इंतजाम कर रही है। वहीं हमारे संवाददाता शक्ति सिंह ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, जो कि किसी किले में तब्दील कर दिया गया है और यहां पर तस्वीरें किसी इंटरनेशनल बॉर्डर की तरह दिखाई दे रही हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को आज पूरे 69 दिन हो गए हैं और 69वें दिन क्या तस्वीर है दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस बार जो किसान हैं उनको रोकने के लिए क्या तैयारी की है, हम उस तैयारी को आपको दिखाने जा रहे हैं। आज तक के इतिहास में शायद ही किसी आंदोलन को रोकने के लिए ऐसी तैयारी की गई हो। ये नीचे किले हैं जो बहुत ही मजबूत हैं, इन किलों को ज़मीन में यहाँ पर लगाया गया है, यहाँ पर एक प्लेट लगाई गई है और उसे वेल्ड किया गया है। वेल्ड के ऊपर ये किले नुकीली किले हैं, इनको लगाया गया है ताकि यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर्स आगे ना जा सके। अगर कोई ट्रैक्टर्स यहाँ से जाने की कोशिश करे तो उसका टायर यही पंचर हो जाए। उसके बाद की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। ये 1, 2, 3 लेयर की ये बैरिकेटिंग है, सबसे आगे ये बैरिकेटिंग है, उसके बाद ये बैरिकेटिंग बनाई गई है। वहीं कटीली तारे हैं, इन कटीली तारों को लगाया गया है। और अगर इसके आगे की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग है वो लगाई गई हैं और उसमें लेंटर डाला गया है, कंक्रीट से लेंटर डाला गया ताकि एक दीवार ऐसी बना दी जाए कि उसे कोई ट्रैक्टर ना तोड़ सके और यहाँ से फिर आगे ना जा सके। उसके आगे भी 2 लेयर बनाई गई हैं जो कि लोहे की बैरिकेटिंग है और ये भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने अपनी तैयारी की है ताकि कोई भी किसान यहाँ से आगे ना जा सके। और साथ ही साथ NH9 की अगर हम बात करेंगे, 16 लाइन का ये हाईवे है, ऊपर भी ऐसी ही तैयारी की गई है। वहाँ भी लगातार इस तरीके से नीचे तैयारी की गई है, उसी तरीके से ऊपर भी तैयारी की गई है। कहीं भी पुलिस कुछ भी कमी नहीं छोड़ना चाह रही है कि जिससे किसान आगे जा सकें और जिस तरीके से 26 जनवरी का मंजर देखने को मिला था वो दोबारा देखा जा सके। गाजीपुर बॉर्डर से एबीपी गंगा के लिए शक्ति सिंह। तो आपने देखा कि किस तरीके की तैयारी की गई है। ऐसा लग रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर ना होकर कोई इंटरनेशनल बॉर्डर हो। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, एके जैन, पूर्व डीजीपी यूपी। बहुत स्वागत है एके जैन जी आपका एबीपी गंगा पर। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, देखिए आंदोलन पहले भी इस देश में होते रहे हैं और अब भी आंदोलन हो रहे हैं, आपने देखा है कभी इस तरीके की तैयारी को किसी आंदोलन में? नहीं, इस प्रकार की तैयारी हम लोगों ने, मैंने अपनी यूपी पुलिस के इतिहास में नहीं देखी। बाबरी मस्जिद का जब जजमेंट आ रहा था हाई कोर्ट का जी, तो तैयारी थी, चाक चौबंद तैयारी थी, पर रास्ते रोकने की कोई बात नहीं थी जी। रास्ते रोकना इसलिए आवश्यक हो गया है, जिस तरीके से उस दिन उधमबाजी की गई, लोग ट्रैक्टर लेके इधर से उधर भागे, जिस तरीके से लॉलेसनेस दिल्ली की सड़कों पर रेड फोर्ट के पास की गई, उससे आलोचना भी हुई प्रशासन की, शासन की, पुलिस विभाग की। इसलिए तैयारियां किया जाना, मुकम्मल तैयारियां किया जाना आवश्यक है। कहा जाता है दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्योंकि इसमें कोई लीडरशिप नहीं है।
कल ये सब मना कर देंगे कि नहीं साहब हमारे लोग नहीं थे तो असामाजिक तत्व तो इसमें घुस गए थे, इसलिए पूरी तैयारी की जानी चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कतई भी दिल्ली के अंदर प्रवेश करके और लॉलेसनेस ना फैला सके। जी बिल्कुल। अब सवाल एक ये भी उठ जाता है कि आगे की राह आपको क्या दिखती है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि दिल्ली में हिंसा हुई उसको देखते हुए ये तैयारी की गई है, क्या आगे की राह आपको नजर आती है और क्या मकसद नजर आता है? मैं समझता हूं कि ये जो जिस प्रकार के मंसूबे ये अपने मन में रखे थे ये पूरे नहीं हो पाएंगे, ना होने देना चाहिए। ये आंदोलन धीरे धीरे लोगों की भी समझ में पूरे देश में आ रहा है कि इसमें इनकी वजह क्या है जिसकी वजह से आंदोलन किया जा रहा है, और ये जो अन्नदाता करके बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ाने की बात हुई है ये भी ठीक नहीं है। ठीक है, यानी एक जन जी आप ये कह रहे हैं कि 26 जनवरी के हिंसा को देखते हुए एहतियातन ऐसी तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है जो फिलहाल बॉर्डर पर की गई। गाजीपुर बॉर्डर पर जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं उसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर ट्वीट कर निशाना साधा है। अखिलेश ने शायराना अंदाज में तंज किया है कि सियासत तू है कमाल, उठाकर रास्ते में दीवार, बिछाकर कटीली तार, कहती है आ करें बात, हैशटैग किसान, हैशटैग नहीं चाहिए भाजपा। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है शायराना अंदाज में भाजपा पर, क्योंकि जिस तरीके के इंतजाम किए गए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर उसको लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी इसे लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। जिस तरीके की तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर की जा रही है, जिस तरीके की वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है और सरकार पर तानाशाह होने का आरोप भी विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी गाजीपुर बॉर्डर पर हुई बैरिकेडिंग को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि पुल बनवाओ दीवार नहीं, यानी लगातार ये जो तैयारी है अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है और इसी के बहाने अब सरकार पर हमला बोला जा रहा है। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही अचानक विपक्ष बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन है क्या सियासी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जिस तरीके की तैयारी गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने की है उसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। और शक्ति सिंह मेरे सहयोगी जो लगातार किसान आंदोलन पर पर्पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं वो जुड़ गए हैं गाजीपुर बॉर्डर से। शक्ति, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप तस्वीरें ही दिखा दीजिए और पूछ लीजिए किसानों से कि ये जो तैयारी हुई है इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्यों नौबत आ गई जो ऐसी तैयारी प्रशासन को करनी पड़ी। देखिए किसान इस बात को लेकर बड़े आश्चर्यचकित है और किसानों का कहना कि जब रोकना चाहिए था जब तो रोका नहीं गया और जब हम कहीं नहीं जा रहे हैं जब हमें रोकने के लिए ये तैयारी की जा रही है। जिस तरह की यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है, तारबंदी की गई है, उसे देखते हुए साफ साफ किसानों का कहना है कि हम आश्चर्यचकित हैं इस तैयारी को लेकर। किसान हमारे साथ हैं, ये इनसे बात करते हैं। ये बताइए जिस तरह की तैयारी अब दिल्ली पुलिस ने की है उसे किस नज़रिए से देख रहे हैं आप लोग? देखो बड़ी अफसोस की बात है, जब हमें हमारे लोगों को गाइड करने का टाइम था तो सरकार वहाँ नाकाम हुई और सरकार ने रोकने की वजह हल्की हल्की बैरिकेडिंग लगा दी और सरकार का हम तो यही मानेंगे कि सरकार की वो शरारत थी कि लोग चले जाएं और इनका आंदोलन फेल हो जाए। बड़ी दुख की बात है, इतना तगड़ा मतलब सरकार क्या मैसेज देना चाहती है? हम तो आस लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाली है, इसका मतलब सरकार ये मैसेज देना चाहती है कि हम तुम्हारे लिए तगड़ी तैयारी कर रहे हैं और हम तुम्हारे लिए कुछ देने वाले नहीं। आप बताइए कि ये जो दिल्ली पुलिस ने जो तैयारी की है अब आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे? तो ये बहुत गलत है और जब तक ये तीनों कानून वापिस नहीं लिए जाएंगे 6 साल 10 हो जाइए हम यहीं रहेंगे। लगातार ये किसान है हमारे साथ, लगातार आज 69 दिन हो गए किसानों को यहाँ आंदोलन करते हुए। ये वो किसान है जिन्हें हम रोज यहाँ देखते हैं जी। आप बताइए दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी की है कि जिस तरह 26 जनवरी में आप चले गए थे अब नहीं जा पाएंगे? मैं मंजीत सिंह अटवाल रामपुर से, लेकिन ये सरकार बहुत गलत कर रही है। ये सरकार को ऐसा नहीं चाहिए था, अब पहले हम रास्ता ब्लॉक कर रहे थे अब खुद कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये सरकार अपना काला मुंह करवा रही है, मत करवाए मत करवाए। बिल्कुल गुस्सा है लोगों में, गुस्सा है। साहू जी अब ये जो हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं ये दिल्ली में नहीं जा पाएंगे अभी सबके बोले।
जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसानों की अब नाराजगी जरूर सामने आ रही है, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार भी नहीं है। शक्ति बहुत शुक्रिया आपका।